कमल होम कुकिंग में आपको खुशामदीद जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल कमल होम कुकिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंग्रेडिएंट्स नोट ऑन कर लीजिए। हाफ कप ऑयल लेके इसमें हमने चिकन को वन बाय वन करके ऐड करना है और अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। कवर करके रखना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद हमने कटे हुए टमाटर जो है दो दो स्लाइस करके इसमें ऐड कर देने हैं और अगेन इसको हमने कवर कर देना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, इसके बाद हम लोगों ने इसका छिलका उतार देना है। जी व्यूअर्स, बहुत इजी तरीके से इसका छिलका उतर जाता है। इसके बाद हमने 3 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ग्रीन चिली जो पेस्ट ऐड करना है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और हमने अचार गोश्त मसाला जो है वो ऐड करके अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। स्पाइसेस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद धनिया पाउडर ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसको भून लेना है हमने और हाफ कप के करीब हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। जी व्यूअर्स, कोई सी भी पैकेट वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश घर वाली क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, डिश में निकालें, सर्व करें, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी अचार गोश्त की रेसिपी? मेरी मज़े मज़े की डिशेस जानने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। कमल होम कुकिंग में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। आज की हमारी अचार गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये डिलीशियस सी रेसिपी कैसी लगी। जी व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है, इंसानी नफ्सियात को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी मूड अच्छा हो तो कड़वी बात भी बुरी नहीं लगती और कभी मूड ख़राब हो तो अच्छी बात भी बहुत ही बुरी लगती है और इसमें तंज नज़र आता है। जी व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करें। कमल होम कुकिंग में आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ हैं, बहुत से व्लॉग्स हैं, आप इसको लाजमी विज़िट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी और मेरी बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, कमल होम कुकिंग फेसबुक पेज आईडी है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।